मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगा कहां से फीमेल अटेंशन तो डेफिनेटली ओह ही इज गोइंग शाय लाल अगर मैं हूं तो क्या क्योंकि आप भी डबल और मैं भी डबल इसलिए हो सकता है मोर देन जस्ट अ फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा फन That was Hriday Ghatani for you, a brilliant all-rounder musician. Be it singing, songwriting, or music composing, he has the ability to turn everything into gold. Unki music journey badi exciting rahi hai. Thodi der mein, we will get to know everything about Hriday on today's episode of India Hum Season 3, presented by T-Series and Red FM. And main hoon Sachet, welcoming you all. Hi guys, main hoon Parampara. And आज की दूसरी गेस्ट जो हमें ज्वाइन करने वाली है इज वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस इन द म्यूजिक सीन इनके सॉन्ग्स टॉप चार्ट्स में अपनी जगह हमेशा ही बनाए रहते हैं शी इज बीन रूलिंग आवर हार्ट्स विद हर एक्सेप्शनल वॉइस एंड सिग्नेचर स्टाइल एज वेल शी इज नन अदर देन शिल्पा राव लेकिन अभी बुलाते हैं अपने पहले गेस्ट को आई एम सुपर थ्रिल्ड टू हैव हिम हियर सो प्लीज वेलकम द ब्लू आईड बॉय हृदय घटानी Hi, Hriday. Thank you. Such a sweet, sweet intro, yeah, you guys. I mean, मैं बहुत ही overwhelmed feel कर रहा हूँ. Blue eyed boy, actually, मैं नहीं, मेरे dad है. He actually has blue eyes. All right. Greenish blue eyes. But you also have, I think, नहीं? नहीं, brown है. Brown. But फिर भी. ले लेता हूँ compliment. I'll take the compliment. Okay. So, Hriday, first of all, welcome on India AM Season 3. So glad to be here. थैंक यू एंड एक बात आपसे पूछने की आपकी कोई डेट शीट तो प्लान नहीं है इसके बाद क्योंकि हम तो आपको जल्दी जाने नहीं देने वाले हैं ऐसा है क्या डेट वेट पे जाते हो लकीली आपने मुझे सही टाइम पे पकड़ा है बिकॉज मैं काम रात को करता हूँ अच्छा और डेट भी रात को करता हूँ अच्छा यू आर अ मॉर्निंग पर्सन इन टर्म्स ऑफ डेट अगर डेट पे जाना है तो ब्रेकफास्ट पे जाते हैं आई एम द लेजीएस्ट पर्सन मैं ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइन करके ब्रंच पे जाता हूँ सही है बहुत सही है अच्छा यू हैव बीन मेंटर्ड बाय रहमान साहब टूर्स पे भी गए हैं आप काफी उनके साथ एंड तो क्या मतलब दोस्ती उस्ती के लिए बड़ी बना लिया क्या उनको इज ही योर बड़ी नाउ
कह सकते हैं, I hope so कि हम buddies हैं, because actually रहमान साहब के बारे में ऐसे लोग सोचते हैं बहुत सीरियस लगते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, पर एक्चुअली जब वो काम कर रहे होते हैं, he's like a child, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग सब साथ मिलके, एंड यू नो he'll actually involve us in the whole process, हम सब मिल you know बैठ के सब काम करते हैं, so it's so much fun, it actually feels like आप अपने बड़ी के साथ ही काम कर रहे हैं. Oh nice. So it feels very. तो चलो मान लेते हैं जो बड़ी है. Okay. So आपके father concert और event management business में हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बचपन से ही इतना टूर और इतना ये कॉन्सर्ट वाइब देखा है, तो आपने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं एक ना एक दिन तो स्टेज पे जाऊंगा और गाऊंगा, और आई वांट टू बी देयर ऑन दैट स्पॉट. डेफिनेटली सोचा था. बहुत ही फनी स्टोरी एक्चुअली. मैं बहुत छोटा था और घर पे कोई भी आता था तो जनरली होता ही है ना, बेटा गा के सुनाओ, डांस करके दिखाओ, बेटी रेगुलर. सो मेरा सिंगिंग या डांसिंग नहीं हो रहा था, परफॉर्मेंस हुआ. Oh. हाँ, तो मैं डैड को कहता था कि आप लाइट्स हैंडल करो, मैं एंट्री करूंगा. wow. और एक ऐसी पैसेज हुई करती थी और फिर हॉल था, तो मैं अपने कमरे से पैसेज में भाग के आता था, नी स्लाइड करते हुए. nice. और एंट्री लेता था और डैड लाइट ऑन करते थे. सीरियसली बच्चा था, मैंने एक माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट देख लिया था टीवी पे, क्योंकि डैड बहुत ही शॉकिंग थे, तो ही यूज्ड टू कीप वॉचिंग ऑल दीज कॉन्सर्ट, और उसमें कुछ एक नी स्लाइड देखा होगा मैंने, एंड आई हैव गॉटन, आई कुडंट गेट ओवर इट. और मैं एक टॉय गिटार था, हैंग करके आ जाता था बस, और एक ड्रम स्टिक था प्लास्टिक का, तो वो मेरा माइक बन जाता था. वाओ, आउटस्टैंडिंग. मतलब ये बचपन से डेवलपमेंट है. ओके, मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, तो वहां पर आपके मुझे एक बेस्ट फ्रेंड दिखे, जोरो गट्टानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. गट्टानी, अच्छा मतलब सब भोकाली नेम. तो वो दिखा है मुझे, एंड आई थिंक वो आपके सारे वीडियोस में भी फीचर करते हैं. मतलब वो है कौन जो आपके फीमेल फैन बेस को भी लेकर जा रहे हैं? हु इज जोरो गट्टानी? तो जोरो गट्टानी है मेरा भाई, माय लिटिल ब्रदर, ही इज माय लिटिल पपी. इट इज द क्यूटेस्ट एवर. अब 11 साल के हो गए वो, एंड और उसका ऐसा मुंह पे ऐसा ब्लैक पट्टी है ना, बिकॉज़ ही हैज लाइक दिस ब्लैक पैच है इसका, पैच अराउंड ऑल पग्स हैव, तो उसकी वजह से हमने जोरो नाम रखा. एंड फीमेल अटेंशन तो डेफिनेटली जोरो अट्रैक्ट करता ही है, पर फिर उसके बाद क्या, तो फिर तो डील तो मुझे ही करना है, डील तो मुझे ही करना है. आई लाइक दैट एटीट्यूड. तो आपके इंस्टाग्राम पे आप इतने गुड लुकिंग हो, तो आपके इंस्टा, ओ ही इज शाइन ऑल, तो आपके कॉम्प्लीमेंट है भाई. यस, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. तो जितने भी फीमेल फैंस की कमेंट्स हैं नीचे काफी सारी आती है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ जो आपको याद रह गया हो किसी का कमेंट. इंटरेस्टिंग कॉल आया था मुझे. कॉल? अच्छा. किसका? तो किसी को मेरा नंबर मिल गया, अपेरेंटली कोई वीडियो में, बताऊंगा नहीं अभी, नहीं तो सब जाके चेक करें. मेरा नंबर मिल गया तो मुझे कॉल आता है, मुझे, मैं फोन उठाता हूँ, एंड लाइक हाय इज इट रियली यू, तो आई सेड या मी ओनली, मैं ही हूँ. पहले तो किसको ढूंढ रहे हो आप? ठीक है, तो देन शी सेड दैट आई सेड हाँ मैं ही हूँ, नंबर आप कहाँ से, कहाँ से मिल, एंड शी सेड मेरे को ये वीडियो में मिला, तो मैंने बोला ओके. तो कहती नहीं नहीं, आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं डिलीट कर दूंगी, यू लेट मी नो. आई सेड सीरियसली, मैं अगर कहूंगा तो आप डिलीट कर दे. बट इट वाज वेरी स्वीट. यू आर नॉट सिंगल, मुझे इंफॉर्मेशन पता लगा. अच्छा, कहां से? कहीं तो है उसी वीडियो. हमारे पास टीम इतनी अपनी स्ट्रांग है ना इधर. क्या बात कर रहे हो यार, मुझे भी नहीं पता था. अब आप बता दो. आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली सिंगल. अच्छा, यू हैव आई थिंक आपने रहमान साहब हो गए, विशाद अदनानी जी हो गए, तो आपका नेक्स्ट ड्रीम कोलैब क्या है? वन कंपोजर दैट आई रियली रियली वांट टू वर्क विद, जिनके अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिले है, शंकर सांगा. एंड नाइस, दे आर ऑल आवर फेवरेट्स. सो ओके, जनरली क्या होता है कि एक म्यूजिशियन को कहीं ना कहीं एडवाइस चाहिए होती है कि एम आई गोइंग राइट, एम आई गोइंग रॉन्ग. सो हु डू यू फॉल ऑन व्हेन इट कम्स टू एडवाइस, और कौन आपको सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग और सच एडवाइस देता है? मुझे घर पे ही एडवाइस मिला, बिकॉज माय डैड हैज सीन सो मच, सीन सो मच एक्सपीरियंस. उनके पास 30 साल का तजुर्बा है यू नो इन दिस इंडस्ट्री, और उन्होंने कितने सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, तो ही नोज द इनर वर्किंग्स ऑफ थिंग्स. तो बहुत इजीली मुझे घर पे एडवाइस मिला. आई एम श्योर सारे बच्चे बहुत लकी होते हैं जिनके पेरेंट्स ना साथ में पूरे हैं और हमेशा तो रहते ही हैं पेरेंट्स हमारे साथ. थैंक यू सो मच हृदय फॉर शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस विद अस. बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अभी भी ऐसे जवाब हैं जो हमें नेक्स्ट गेम से ही आपसे मिल पाएंगे. उस गेम का नाम है रैपिड फायर, जो हम आपके साथ खेलने वाले हैं. ओके, तो आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची जवाब दे रहा होगा. आर यू रेडी? रेडी. चलो
Performing at live concert or playback singing? Your favorite thing? Live concert. Eight Indian artists who you want to perform live with? Sunidhi Chauhan. Oh. एक एक्टर जिस पर आपकी आवाज बहुत सूट करेगी? रणबीर कपूर. सो एक को-आर्टिस्ट हु इज मोर देन जस्ट अ फ्रेंड? मोर देन जस्ट अ फ्रेंड? ओ फिशिंग. नाम तो आएगा. नहीं नहीं कोई ऐसा कोई नहीं है, बट ऑनेस्टली मैं सच बताऊं कि म्यूजिक में रह के इतने सारे अच्छे लोगों से मिला हूं मैं, दैट मोर देन जस्ट अ फ्रेंड जैसे लोग बन गए हैं, वो बिकम लाइक फैमिली नाउ. नाइस. जब म्यूजिक नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हो आप? आजकल तो सीरीज ही देख रहा हूँ. I mean, to be honest, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है. इंस्टाग्राम पे कितना समय देते हो? बहुत बुरी आदत है ये जो लंबा ब्रेक. माय गॉड, मैं आजकल मेरा आई थिंक वो क्या बोलते हैं लिमिट होता है ना, स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम कितना है? फोन उड़ने वाला है मेरा. एक म्यूजिक कंपोजर जिसने आपको कभी डांटा हो? रहमान सर. पर अच्छी चीज. अ गूफ अप दैट यू हैव डन एट वर्क. हम फॉर्म कर रहे थे कभी कभी अदिति ऑन स्टेज विद रहमान सर इन सम सिटी समवेयर, एंड मैं सेकंड पैराग्राफ भूल गया तो मैं डांस करने लगा इंस्टेंट. देन व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ही वाज ओके बिकॉज़ देन आई कवर्ड इट अप, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम नाइस डांस एंड या. आपके लिए म्यूजिक इज? फॉर मी म्यूजिक इज स्पिरिचुअल, इट्स अ रिलीजन. वाओ, काफी स्मार्टली आपने राउंड प्ले किया है. वेरी वेरी वेल प्लेड है, मजा आया. यस, आई थिंक नाउ लेट्स वेलकम अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, द सुपर टैलेंटेड शिल्पा राव. माय गॉड, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम. हेलो हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाय. हेलो हेलो, हैप्पी टू हैव यू हियर. माय प्लेजर. ग्रेट, वेरी कंफर्टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शिल्पा, आप एनएम सीजन 3 पर आए हैं और इसका ना आपने जो वाइब है ना डबल कर दिया है सेट का, बस आपकी मौजूदगी यहां सब कुछ डबल हो गया. क्योंकि आप भी डबल और मैं भी डबल इसलिए हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. कांग्रेचुलेशंस ऑन द वेडिंग टू यू. या यू टू, एंड आई थिंक वी हैव हृदय आल्सो विद अस. यस, आई एम द ऑड वन आउट गाइस. डी मेकअप ऑफ. नहीं नहीं नहीं, कोई बात. आपने आई एम श्योर इनका म्यूजिक सुना होगा. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हिज म्यूजिक? सो आई थिंक द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई हर्ड ऑफ हिज वाज द वन ही डिड विद सुनिधि, इश्क तेरा मेरा, व्हिच आई लव दैट लाइन. इश्क तेरा मेरा, आई लव इट्स सच अ क्यूट लाइन और वो याद रहता है बहुत इजीली. सो आई थिंक यू नो द इंडी सीन इज क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट्स, इट डजंट हैपन otherwise, and it doesn't happen with one artist, it happens with everybody putting their energies together. So thank you Hriday for giving us such awesome songs. So Hriday, Shilpa Rao hai hamare samne, we both are very happy to have you. Inhone itne sare saal industry mein aap rahe hain, itna aapke paas experience hai, to kya aisa cheez hai, aap koi crash course inse seekhna chahte hain itne saalon ka? 100% so many things that, matlab itne sare gaane that I am such a huge fan of, and I've, yeah. Like, of course I've told her also, bahut sari baatein hamari hui hai. We wanted to collaborate for a while also. Yeah, let's hope Hopefully. 2022 makes that looks like they are. Okay. But yeah. More importantly, please tell us the like about, I guess, how you bring that brilliant feel into every song. So, जितना दिल से ज़्यादा सोचोगे ना, और दिल से जो decisions आप लेते हो, वो आपके music में आपके living में ही बहुत feel आ जाएगी. आप बहुत टाइम पहले से हैं, आपको क्या डिफरेंस लगता है ओवर द इयर्स की म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चेंज आया है, और अगर कोई यंगस्टर्स जो अभी आ रहे हैं उनको कैसे कोप अप करना चाहिए टू यू नो अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री बेटर? बी प्रेजेंट, आई थिंक दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बी प्रेजेंट, कि अभी यहाँ आए, वी जस्ट हैव अ गुड टाइम. Nice. After this is done, देखेंगे क्या करना है. बट आई फील दैट या हमको लगता है कि अगर हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे और सोचेंगे और प्लान करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा. ऐसा कुछ होता नहीं है. कुछ नहीं सोचा था पैंडेमिक होगा. सीरियसली, किसी को कुछ नहीं पता था. लर्न फ्रॉम दैट. या दैट्स ऑल दैट मैटर्स. अब आई बात असली. एग्जैक्टली. अब आई ना बात. सो इट्स सो सिंपल ना. सीरियसली, काफी सिंपल. वी रियली वांट टू थैंक हृदय
क्योंकि इन्होंने अगर ऐसी बात बोली तो हम लोगों ने पॉइंट्स वो सारे थैंक यू सो मच हृदय. आई थिंक यू आर अ स्टार, यू बॉर्न टू बी अ स्टार. प्लीज कीप शाइनिंग. जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. नाम नाम में हृदय. आप अपने नाम की तरह हर हर एक इंसान के हृदय में जाके बस जाएं forever. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Papa. I'll see you soon. Take care. Bye. 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 तो शिल्पा हम लोग को बहुत सारी अभी बातें करनी है आपसे. काफी बातें करनी है पर उससे पहले ना थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लेते हैं आपको भी. ठीक है. वो आर गोना प्ले अ गेम. इट इज अ गेम. इट्स कॉल्ड टंग ट्विस्टर. यू जस्ट हैव टू रिपीट इट 5 टाइम्स. ओके. सिर्फ 5 बार. 5 बार. ओके. रेडी. ओके. आपको ये बोलना है 5 बारी. हूं तो मैं वो ही जो मैं हूं और अगर मैं हूं तो मैं क्या हूं. वाह. ओके. सिंपल. आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू. हूं तो मैं वही जो मैं हूं और अगर मैं हूँ तो मैं क्या हूँ. हूँ तो मैं वही जो मैं हूँ और हूँ तो मैं क्या हूँ. हूँ तो मैं वही जो मैं हूँ और अगर मैं हूँ तो मैं क्या. और अगर मैं हूँ तो मैं क्या. अच्छा. हूँ तो मैं वही जो मैं हूँ और अगर मैं तो मैं क्या हूँ. हूँ तो मैं वही जो मैं हूँ और अगर हूँ तो मैं क्या हूँ. हूँ तो मैं अगर वही जो मैं हूँ अगर मैं हूँ तो क्या हूँ. मैंने कहा कि मतलब I should give up. You have never given up. So, मेरे vibe तो check हो गए कि 100% vibe अभी आने वाली है. Seriously. एक और चीज मुझे अभी आपके बारे में आ रहा है कि you have worked with everyone. Like, किसका आपको सबसे अतरंगी style लगता है music process का? I love working with all these people in their own अतरंगी style. क्योंकि क्या होता है कि आप. बट आप कुछ बता सकते हैं कि सबके एक-एक. अच्छा यही तीनों के. Okay. तीनों के एक-एक. रहमान साहब के बारे में the best thing is that वो आपको माइक और जो बूथ है ना वो आपको दे देते हैं and you do your thing and I love that क्योंकि उनको वोकलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ बहुत प्यार है. वो उनको मतलब Respect. खुला मैदान. आपको कुछ नया भी करना है please go for it. And विशाल एंड शेखर. विशाल तो शेखर एंड आई डू बैड जोक्स एंड हम लोग विशाल को इरिटेट करते हैं. तो अगर आपको बैड जोक्स करना है प्लीज विशाल ददानी के सामने जाके करें एंड उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करके देखें. ओके. थर्ड वन. प्रीतम इज आई एम सो ब्लेस्ड टू इवन से दैट विशाल शेखर प्रीतम दे आर माय फ्रेंड्स. आई कैन से दैट दे आर माय फ्रेंड्स. आई थिंक प्रीतम और मैं गाने के बारे में छोड़ के सारी बातें करते हैं. स्पेशली अबाउट फूड सीरीज मूवी. I'm sure fans are going to enjoy this conversation, but उनको बड़ा दुख होगा अगर आप इधर हो और आप कुछ गाओ नहीं हमारे लिए. So please हम उनको दुखी नहीं करेंगे. और हम भी आपकी आवाज सुनना चाहते हैं. Okay. It's been long time हमने ऐसा live सुना. Any track that you wish to sing? Okay, here we go. पार चना दे दिसे कुलिया दे घड़िया आवे घड़िया पार चना दे दिसे कुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात हनेरी नदी ठा ठा मार दी अड़िए अड़िए हानी अड़िए पार चना दे दिसे कुली. वाह क्या बात है. थैंक यू. सुकून. और ये कितने टाइम से मैं चाह रही थी एंड फाइनली यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वॉइस शिल्पा. हम जब भी मिलते हैं आई ऑलवेज एडमायर्ड योर वॉइस. यू आर नाउ मेकिंग मी ब्लश. थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग this beautiful song for us. And before we move ahead ab time hai mere paas ek cheez aur khufiya sutron ke taraf se pata lagi hai. Acha. Ki inki badi ek keemti cheez hai jo hamare team ke paas rakhi hui hai. Acha. Aisa kya. Ha. To mujhe lagta hai ki wo hum bhi nahi pata jo hum sabko is manch pe India hum season 3 pe dikhana chahiye because we are really proud of that achievement. Okay. That has been achieved by you. So please pesh kiya jaye वो प्यारी सी चीज. थोड़ा हम भी देख लेना. She is
her song, Those Words, has been nominated for Grammy Awards. Super. Thank you, thank you. So this is you, Jo. That's so sweet of you guys. We are really proud of your achievement, Shilpa. No, thanks, yeah. This is, yeah, more for India. Come on, guys. Yeah. Get more of these for India. Come on. And not just this, like the actual trophy. Let's get more. Yes. Yes. For the country, yeah, yeah. For the country's sake, yeah. Shilpa, first of all, congratulations. Thank you. Big congratulations. And we really want to know ki क्या स्टोरी रही है बिहाइंड द सॉन्ग दोज वर्ड्स. स्टोरी इतना ही है कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं ना, म्यूजिशियन या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर या कंपोजर, हूएवर, आई थिंक यू शुड कोलैब विद देम. ओके. बिकॉज़ दैट फ्रेंडशिप विल लास्ट यू योर होल लाइफ. सो अनुष्का और मैं हम मिले थे बिकॉज़ वी डन अ प्रोजेक्ट विद कर्ष काले एंड दैट्स हाउ वी मेट. आई वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप 2018 और हर जो कोलैब की शुरुआत होती है ना डाइनिंग टेबल से खाने पे, तो वैसे ही कुछ हमने बातें की, एक दूसरे को बहुत सारा म्यूजिक सुनाया अपना, फिर भी पार्टेड की हाँ चलो कोलैब करते हैं. एंड अगले साल उसके नेक्स्ट ईयर शी सेंड मी अ सॉन्ग विच वाज जस्ट अ चेलो एंड अ सितार एंड आई जस्ट टेक्स्ट हर कि नो वी हैव टू डू दिस एंड वी रिकॉर्डेड इट इन 2019. 2020 वी रिलीज्ड इट. वन नाइट वी गॉट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम सेइंग दैट दिस हैज बीन नॉमिनेटेड एट ग्रैमीज द आपको कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे जिसपे वर्ड्स लिखे होंगे एंड आप में से एक को उस कार्ड को अपने सर के ऊपर रखना होगा, ठीक है, बिना देखे. एंड दूसरे को सिर्फ साउंड निकाल के उसको क्लू देना होगा, जिन्हें सुनकर गेस करना होगा कि वर्ड क्या है. So card and stopwatch lai jai please. Okay, so game is called Heads Up Challenge. Okay. Time clock now. Cup, chai. Chai. Okay, okay. Go. Okay, very bad, very bad. Roti. Kavali. Wow, very nice. Oh. Very bad. Mosquito. Very nice. Oh. Okay. Tick. Clock. Very nice. Okay. Try. थोड़ा नाच ऐसे शिल्पा को मिले हैं 7 points, ठीक है. मुझे जीतने के लिए 8 points चाहिए. Mario, go. Very bad. Aeroplane. Next. ये झूठ तो नहीं बोल रहा, हमें दिख नहीं रहा है. Come on. Tick. Clock. घंटा. Yes. Very nice. Very bad. Hashtag. Camera. Sound. Camera. अच्छा. हो गया. Actions नहीं है ये. अच्छा. हो गया. चलो. हाँ. Sound. Psst. पटाका. Spray. अंगूठी बाल क्लैब नो साउंड ऐसे नहीं चलता है. सिटी प्रेशर कुकर. यस. अरे भैया साउंड स्नैक्स पापड़ी. साउंड खच ये क्या है. खच कैमरा लकड़ी फिल्म गोली सिनेमा पॉपकॉर्न. यस. ओके. अरे यही है. ओके. साउंड हां साउंड गाना गा सकते हैं. नहीं हां साउंड आई नो साउंड नहीं साउंड चली लगी तो मैं क्या करूं. नहीं यार साउंड चलेगा ऐसे नहीं. हम मानेंगे मिर्ची गरम मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं. इंग्लिश चिली. यस चिली. जीता कौन हारा कौन. मैं आई वाज गॉन. शी वन. आई डिडंट डू अ गुड जॉब. परंपरा को मिले हैं 6 points. ए बट एक्चुअली
She has won because she enacted very well. No, but I think acting ka tha nahi na, sound ka tha. Because you guessed more than I could. So congratulations, we have a winner. Thank you so much. Brilliant, maza aaya. And I think sabko maza aayega. Yeah, ye unexpectedly bahut hi zyada fun nikla. But iske saath should play it more often with hai na? Yeah. Ye acha game hai na, jab kabhi chill karo. Kabhi bore ho rahe hain, chalo start ho jaate hain. Let's do this. Okay. तो अभी क्या है ना, अभी हम लोगों ने आपस में तो खेले ना, वन थिंग इज देयर फॉर योर फैंस, हम लोगों ने एक स्पेशल गिव अवे रखा है जिसमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए होगा एंड दिस विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो गिव अवे आपके फैंस तक, आपके लिसनर्स तक पहुंचाएंगे. हम टी सीरीज एंड रेड एफएम की टीम, कोई भी होगा वो सब पहुंचाएगी. प्लीज गिव अवे लाया जाए. परफेक्ट यार, दिस इज परफेक्ट. वाह, सीटी भी लाल लाई गए. बाय करना मुझे सबसे टफ लगता है बिकॉज आई डोंट वांट द मोमेंट टू एंड. वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन वर्ड्स कि हमें हर हफ्ते इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट को पर्सनली जानकर कितनी खुशी मिल रही है. एंड आई नो You cannot wait to meet our next week's guest. Bas ek hafte ki baat hai. We will be back with yet another kick-ass episode on Indian Hum Season 3, presented by T-Series and Red FM. Lekin aaj ka episode aapki request puri kiye bina kaise end ho gaya yaar? Let's see aaj kisne request bheji hai hume. Aaj ki request aayi hai Nikhila se from Bangalore. थैंक यू निखिला फॉर सेंडिंग अस योर रिक्वेस्ट एंड हमारी आज की परफॉर्मेंस गोज आउट टू यू. आप भी अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट ऐसे ही हमें भेज सकते हैं यूजिंग द हैशटैग #AskSachetParampara एंड सोशल मीडिया पे टैग करो रेड एफएम को, टी सीरीज को, सचेत को और परंपरा को. दिस इज एसपी साइनिंग ऑफ. एंजॉय द मैशअप. इसका दर्द तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया. दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा नाम है तेरा नाम है में